150 करोड़ रुपए एक महीने की तनख्वाह है एक इंसान की। ये वो बालक है जो अमेरिका में पढ़ने गया था, आज उसकी तनख्वाह 150 करोड़ रुपए एक महीने की है। मैं बात कर रहा हूँ श्री सुंदर पिचई जी की, जो भारत से अमेरिका पढ़ने गए थे। इनकी तनख्वाह 1850 करोड़ रुपए है एक साल की। अगर जीरो गिनने भी शुरू करोगे ना, फिर भी समझ नहीं लगेगी, गिनती गिनी नहीं जाएगी। एक साधारण बालक भारत में गरीब घर में पैदा होता है। उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसने सपना देखा, आज उसके बच्चे ने दुनिया जीत ली। कल मैं गंगा मैया में था, शाम को जैसे गंगा मैया में स्नान कर रहा था, वहाँ एक महोदय से मुलाकात हुई। वो कह रहे, विनय सर मैं अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सफल हो जाए, बट किसी कारणवश ना उसके नंबर कम रह गए, इसलिए हम चिंतित हैं उसके भविष्य को लेके, उससे यहाँ पे कंपटीशन के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे। ऐसी समस्या हर एक माँ बाप को होती है जब उसका बच्चा पढ़ाई में कम नंबर ले लेता है। दोस्तों याद रखना, एक डॉक्टर को पता होता है बीमारी का इलाज कैसे करना है। अगर कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी को शुरू में पकड़ लिया जाए तो ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। आज यदि कैंसर को आप पहली स्टेज पे पकड़ लेते हैं तो उससे जान नहीं जाती। इसी प्रकार आपके बच्चे का भविष्य होता है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जिसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने जितनी भी ताकत दी है, बुद्धि दी है, मैं उससे निरंतर प्रयास कर रहा हूँ किसी न किसी की जिंदगी जरूर बदल जाए। मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ जो जानता हूँ कि कैसे दुनिया में टॉप एजुकेशन में दाखिला कराया जा सकता है। मैं आपके बालक को मिलके आपको ये बता पाऊंगा कि ये बालक का भविष्य कौन से फील्ड में बनेगा। 150 करोड़ रुपए कमाने वाला बच्चा आपके घर पे भी हो सकता है जिसकी तनख्वाह 150 करोड़ रुपए हो, पर मौका ही नहीं मिलता यार। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा बाहर जाके सफल होके मुझे बात करता है मेरे साथ। जलंधर का हमारा एक बालक है, हिमांशु शर्मा नाम है उसका। हिमांशु आज से 6 साल पहले अमेरिका में पढ़ने गया, साधारण परिवार से जिसके पास सिर्फ सपने थे और कुछ नहीं था। आज हिमांशु डिलॉयट में नौकरी कर रहा है। शायद उसके माँ बाप को जितनी खुशी हो रही है उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है। जो लोग यहां पर मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, आज वो दुनिया की लग्जरी लाइफ जी रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी सलाह से। मैं आपके बालक को मिलके आपको बता पाऊंगा ये बालक कौन सी फील्ड में सफल होगा। दुनिया में एक ही मुल्क है जहां पे पढ़ाई होती है, एक ही दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां पे लोग पढ़ने जाते हैं, जहां पे फ्री में पढ़ने जाते हैं, जहां पे शिक्षा को बेचा नहीं जाता। वो मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे बहुत बार मौका मिला, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया, MIT में गया, स्टैनफोर्ड में गया, UC बकले में गया, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में घूम के आया, देखा समझा। हम लोग, मेरे जैसे लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, जिनको मौका ही नहीं मिला कभी कॉन्वेंट एजू देखने का,
हम लोग कॉन्वेंट एजुकेशन से बहुत दूर रहे, अंग्रेजी से तो आज भी बहुत डर लगता है, बट जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाके आया, मेरा एक ही सवाल था वहाँ पे लोगों से, यार यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। और मुझे गर्व है मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं 1400 से 1500 बच्चा US में पढ़ने के लिए भेज चुका हूँ। इसकी हम लोग मशहूरी नहीं करते क्योंकि इसमें पैसे नहीं मिलते, ये कारोबार नहीं है, ये फर्ज है हमारा। आज दुनिया अमेरिका से चलती है, याद रखना। ये जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इसका जन्म अमेरिका से होता है, जो सोशल मीडिया है अमेरिका से चलता है। यहाँ 10-20-50 हज़ार रुपये पे दम तोड़ दोगे अगर तुम बाहर चले गए, अच्छी शिक्षा ले ली, भाई 150 करोड़ रुपया एक महीने का कम नहीं होता। ये उस आदमी की तनख्वाह है जो भी अमरीका पढ़ने गया था। मैं आपके बालक को मिल के आपको बता पाऊंगा कि कौन सी फील्ड में इसका इंटरेस्ट है। आपने बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे जिनकी दुकान चलती नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पढ़े लिखे तो हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे। पता क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो वो करना चाहते थे उनके माँ बाप ने करने ही नहीं दिया। जब आप जबरदस्ती किसी को डॉक्टर बनाओगे ना, फिर वो मरीज नहीं देखेगा। 3 Idiots मूवी दोबारा देखिए। यदि आपके घर पे कोई बच्चा है, जवान है, आपको डर है कि इसको नशा ना लग जाए, डरते हैं किसी को झगड़ा ना कराए किसी के साथ, किसी लड़की से इसका चक्कर ना चल जाए, कहीं शराब ना पीना शुरू कर दे, बीड़ी सिगरेट की तरफ ना चल जाए, तंबाकू ना खाना शुरू कर दे, बच्चे को समझिए। हर बच्चा प्रधानमंत्री पैदा बनने के लिए पैदा नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के अंदर अलग मशीन होती है। इसलिए हमें भगवान ने ये गुण दिया है। मैं आपको, आपके बच्चे को मिल के आपको ये बता पाऊंगा कि बच्चा कैसे कामयाब होगा। मेरी ज़िंदगी में ये मेरा फर्ज भी है, ये मेरा धर्म भी है, ये मेरा कर्म भी है। एक बार मुझे मिलिए आके। अगर आपका बालक करोड़ रुपया महीना नहीं कमाएगा, उसका जिम्मेदार मैं आऊँगा। बस जो मैं बताऊँगा उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ये पैसे पूसे बड़ी छोटी चीज होती है, आपको अपनी जिंदगी खुद लिखनी पड़ती है। नहीं आना चाहते मेरे पास मत आइए, आपको ज्ञान घर पे बैठे बता देता हूं। देखिए आपके बच्चे के 5 दोस्त कौन है, आपके बच्चे के 5 दोस्तों के नाम लिखिए, उसके आगे लिखिए उनके माँ बाप क्या काम करते हैं, उसके आगे लिखिए उनकी आमदनी कितनी है, आपका बच्चा और उनके उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जैसे 5 बच्चों में आपका बच्चा रह रहा है वैसा बच्चा बनेगा आपका। अगर वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, उसके वो 5 दोस्त छुड़ा दीजिए, उसे किसी ऐसी जगह पे ले जाइए जहां वो अच्छे लोगों में रहे, वो वैसा बन जाएगा। अपने बच्चे की 5 बुरी आदतें लिखिए, 5 अच्छी आदतें लिखिए, उसकी बुरी आदतें छुड़ा दीजिए, अच्छी आदतें और दे दीजिए, सफल हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे अपनी 4 वीकनेस लिख के दिखाओ। आपके अंदर क्या 4 कमजोरियां हैं, क्या पता है आपको? लिख लो, कागज पे लिखो। अभी तुम्हारी जिंदगी ना बदल गई, अगले 4 दिन में मेरा नाम बदल देना। हम लोग किसी और ही दुनिया में बैठे रहते हैं सारा दिन। हमें लगता है भी हमारे से तो धर्मात्मा है ही कोई नहीं, सारा ज्ञान ही हमें है, मैं ही मैं हूँ। भाई साहब, आपको अपनी 4 कमजोरियाँ लिखनी है, कागज पे लिख लो। बताना मत किसी को, बेइज्जती होगी तुम्हारी। अगर तुमने 4 कमजोरियाँ अपनी कागज पे लिख ली, उसको दिन में 4 बार देखना, आपके अंदर का इंसान जूते मारेगा आपको, चित्र परेड होगी आपकी, ये क्या भाई कमजोरी लेके क्यों घूम रहा, ठीक हो जाओगे।
मैं वादा करता हूँ अगर आपका बालक मेरे को मिलने के बाद, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद कामयाब ना हुआ, अगर आपका बच्चा कामयाब ना हुआ, जिम्मेदार मैं होऊंगा। आइए मुझे मिलिए और जानिए आपके बच्चे का भविष्य कैसे बने। धन्यवाद। जय श्री राम।